Once again, welcome back here. Hope so you all are doing well. So basically, आज की वीडियो का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाह करना था कि UET ने अपने एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस एक तरह से अनाउंस कर दिया है, जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर और मेरिट के क्या मेरिट हो सकता है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और इस तरह का सारा स्टफ़। और उन्होंने आप लोगों को उनकी UET की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर उन्होंने लिखा हुआ कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कमिंग सून, और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इधर सारे सर्कमस्टांसिस हैं। तो सबसे पहली बात कि अब आप लोग, ये हमारे पास हो गया, ये बेसिकली एक PDF फॉर्म में प्रोस्पेक्टस है UET का। और जब एडमिशन ओपन होंगे तो जब आप लोग फ़ी वगैरह सबमिट करवाएंगे तो अलहदा से प्रोस्पेक्टस आप लोगों को मिलेगा हार्ड फॉर्म में भी, बट ये सॉफ्ट फॉर्म में। और इधर उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायरमेंट है, 60% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, या फिर अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो ये, उसके बाद एंट्री टेस्ट, और इसके बाद आप लोग ये यहाँ से देख सकते हैं सारा। और उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो इंग्लिश मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे जो हैं वो तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर वाले बच्चे, उनके लिए ये फील्ड्स हैं। इंग्लिश मैथ फिजिक्स और स्टैट्स वाले बच्चों के लिए ये फील्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट इनमें ही लाजमी अप्लाई करना है, लेकिन अब जिस तरह बच्चों को ये होता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी फील्ड हमारे लिए बेहतर रहेगी, तो उसके लिए अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा मेरिट कॉम्पिटिशन है, ये अब आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या मेरिट का क्राइटेरिया होगा। 70% इधर हमारे पास इंटर की आएगी, आई गेस 70% ऑब्टेंड रेलेवेंट एग्जामिनेशन इन केस ऑफ एनुअल, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इंटर ही है। 70% वेटेज है इंटर की और 30% है एज यूजुअल एंट्री टेस्ट की। और उन्होंने एग्जाम्पल भी बताई हुई कि अगर 400 में से 280 आ रहे हैं तो आप लोगों के, यानी कि 30% में से 21% बन रही है। तो उसके अलावा प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं, ये आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव और ये डिफरेंट वो हमारे पास ये ऑफर किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स। ये आगे LK KNFKL ये क्या है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब आप लोगों को आगे जब फीस स्ट्रक्चर मैं आगे दिखाऊंगी ना, एक ये डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम्स हैं, तो ये अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन कैटेगरीज ओपन मेरिट का है, A1 ये हमारे पास एक कैटेगरी है जिसमें कौन सी, इसमें ट्यूशन फीस सब्सिडाइज्ड होती है। तो ट्यूशन फ़ी इधर A1 है, A1 मोस्टली यानी कि जो नॉर्मल फ़ी होती है ना वो होती है। उसके अलावा A2 पे चले जाएं, अब यानी कि A1 की फ़ी अगर हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि जो नॉर्मल बच्चों की 57,000 फ़ी है, और A2 में वही एक्सीड करके 90,000 होती है, 1,00,000 समथिंग होती है, और ऐसे डिफरेंट उन्होंने ये दिया हुआ है। अब आप लोग ये यहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के, ये A1 किसके बच्चों, कौन से बच्चों के लिए होती है, जो पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स होते हैं, और ये A1 और ये M, और ये अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन से प्री मेडिकल के बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं आप लोगों को, ये पहले की चीज़ नहीं होती थी लेकिन अब ये आ गई है कि A1 सीट्स पहले सारे बच्चों के लिए होती थी, अब A1 M यानी कि मेडिकल बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका अब ये कर दिया। वैसे ही A2 यानी कि अगर A1 की फ़ी 57,000 है तो A2 की 1,00,000 समथिंग होगी, 1,10,000 इस तरह से। तो उधर अब आप लोग ये देख सकते हैं, अब A2 और A2 मेडिकल के बच्चों का उन्होंने डिफरेंट कर दिया है। ये डिस्क्रिप्शन है कि कौन से बच्चे, ये जो ये वाला सेक्शन है ना, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने अनाउंस की गई हैं। अब आगे जब ये, ठीक है, ये आप नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ये डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं। और उन्होंने मेन चीज़ क्या बताई है कि सीट्स कितनी होंगी 2021 में, ओपन मेरिट पर सीट्स होंगी 1,803 लाहौर में, फैसलाबाद में 346, KSK कालाशाह काकू 530, नारोवाल में 248 और RCET 198। ये मुझे RCET के फुल फॉर्म अभी नहीं पता, तो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगी अगर किसी बच्चे को ना पता हो, अदरवाइज आप लोग गूगल कर लीजिएगा। और टोटल यानी कि कितनी सीट्स हैं, 3,125, और रिजर्व सीट्स कौन सी होती हैं, ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके जिन्होंने AI और S वाली कैटेगरी में अप्लाई करना होता है, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये उधर इनकी प्रेफरेंस लिस्ट है कि जब आप लोगों ने प्रेफरेंसेस चूज़ करनी है ना, यानी कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, सबसे पहले आप कौन सी फील्ड रखना चाहेंगे, फिर कौन सी, उसके लिए आप ये देख सकते हैं। और मेन चीज़ जो आ गई है फी की, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, A1 की अगर इधर 57,278 है, तो उधर A2 की है 1,69,911, हद हो गई है, ये कहीं से भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं लग रही है। बहरहाल अब आप देखें, सेमेस्टर 1 में 57,000, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 में 49,570, और सेमेस्टर 8 में 51,000, और ऐसे ही। ये फुली सब्सिडाइज्ड हैं और पार्शियली सब्सिडाइज्ड, ये हमारे पास ये कैटेगरीज हैं।
अब आप ये देख लीजिएगा, A1 में सारे बच्चे पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये IELN MPR, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि बलोचिस्तान के बच्चे और इस तरह से डिफरेंट। अब आप लोग देख लीजिएगा, एडमिशन को उन्होंने लिखा हुआ कि कमिंग सून हो सकता है, मंडे से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे और इस तरह का हो जाए। अब आप लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियोज आती रहेंगी इसका अप्लाई करने का प्रोसेस, इसका मेरिट का, POCIT का। तो उसके लिए फर्दर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।